तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मून सुलहरिया और आप देख रहे हैं सुलहरिया राइट्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये स्टेटस देख ही लिया होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपने करना है कि आपने वीडियो को देखना मुकम्मल, बिल्कुल आसान सा तरीका, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है अगर आप इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपने करना है पिक्सेल लैब ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन इसमें यूज़ होगी या जो भी डाटा यूज़ होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, ये पिक्सेल ऐप है, ठीक है, इसको कर लेना ओपन। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ ये इसको कर देना, पहले ये जो टेक्स्ट है ये एक ऑप्शन पे आके इसको डिलीट कर लेना हमने, ठीक है। ये डिलीट टेक्स्ट कर दिया, अभी ये साथ ही शेप का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। तो इधर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ से शेप इसकी बनाते हैं, ठीक है। तो जो शेप बनानी है वो कलर होगी ब्लैक, ठीक है। तो इसका कलर कर लेंगे हम ब्लैक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आपको दिखा देता हूँ, तो ये कलर इसका ब्लैक रख दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने करना है क्या, सिंपली अभी करना है ये एक ऑप्शन पे क्लिक करना, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना, ठीक है। और इधर से हमने जो नेम लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे इधर लिखूँगा लाइबा, ठीक है। और यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से इसे लगा दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इधर आके हमने करना क्या, ये फाउंट का, ठीक है, आगे ऑप्शन होगा फाउंट, इधर से सिलेक्ट कर लेना, जो अपनी मर्ज़ी से जो प्यारे आपको लगे वो रख सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं, अगर फैंसी रखना चाहते हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सिंपली मैं ये वाले फाउंट रखूँगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जैसे ही मैंने ये रख लिया, अभी मैं करूँगा क्या, सिंपली मैंने करना है इन दोनों को इकट्ठा, तो ये ऊपर से मर्ज करना है ये वाले ऑप्शन से, ठीक है। जैसे ही साइड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, इधर से आके ये मर्ज कर देना है, ठीक है। ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये दरमियान वाले में दोबारा फिर सिलेक्ट करके इनको, तो ये दरमियान वाले पे क्लिक करना, ओके कर देना, ठीक है। जैसे ये मर्ज हो जाए, अभी का हमने करना क्या है, ये जो वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है उसको करना अभी हमने रिमूव, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो सिंपली अभी करना क्या है, ये शेप वाले ऑप्शन पर आना, आगे वाले पर, तो यहाँ से लास्ट पर आ कर हमने ये रेज़र का निशान होगा, रेज़र कलर, ठीक है, एनेबल करना है। एनेबल जैसे ही करेंगे तो ये वाइट कलर ऑटो ख़त्म हो गया, तो हमने सिंपली करना क्या, ये टू रेंस फुल कर देनी है, ठीक है, इसकी, और ओके कर देना। ओके करने के बाद इधर से ही हमने करना है स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक ऑप्शन पे ओके करके इसकी स्ट्रोक इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, तीन या चार रख लेंगे, ठीक है, तो ये तीन बेहतर रहेगी, ठीक है, तो हम कर देंगे इसे ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओके कर दिया। अभी हमने करना क्या, ये लास्ट वाले ऑप्शन पर आके, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो इधर से हमने कर देना बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी इधर से हमने ये सेव कर लेना है, ठीक है, पिक्चर को, ये अल्ट्रा में, ठीक है, ये डार्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अल्ट्रा में सेव कर लेना, सेव टू गैलरी, ठीक है। जैसे ये पिक्चर सेव हो गई है, सिंपली आपने करना क्या, बैक आ जाना, ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बैक चले जाएँगे, ठीक है। बैक जाने के बाद सिंपली ये एप्लीकेशन दूसरी है काइन मास्टर, इसको कर लेना ओपन, ठीक है। तो काइन मास्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आप प्रो करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो का दे दूंगा, तो वो वीडियो वॉच करके डाउनलोड कर लीजिएगा काइन मास्टर प्रो, ठीक है, उसमें फुल ट्यूटोरियल होगा, ठीक है, उसके मतलब मुकम्मल डिटेल होगी, ठीक है। सिंपली अभी हमने करना क्या है, ये आपको न्यू प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लियर करना क्लिक, ठीक है, ये वाला न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर करना क्लिक, तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कोई भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं 1x1 का कर लेता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि स्टेटस बनाना चाहूँगा टिकटॉक के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये 1x1 के लिए मैंने स्टेटस मतलब बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, अभी इधर से बैकग्राउंड कॉर्नर से सेलेक्ट करना है जो हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक ही सिंपल, मैं अभी ब्लैक ही बैकग्राउंड रखूँगा, या जो भी अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन चले मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये कलर रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस पर एक बार करूँगा क्लिक, और ये जो हल्की सी लाइन नज़र आती है इस पर अंगूठा रख के, तो अंगूठे की मदद से इसको बढ़ा लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट का आपको स्टेटस बना के दिखा देता हूँ, जैसे ही ये 15 मिनट का हो जाता है तो इधर से हमने ये कैंची के निशान से क्रॉप कर देना, ठीक है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर, ठीक है,
कि इस साइड को कटिंग कर देनी है। तो ये कटिंग हो गई है हमारी। अभी हमने करना है क्या, सिंपली ये लेयर के ऑप्शन पे जाना, ठीक है, और पिक्चर लेके आनी है जो हमने सेव किया, ये पिक्चर, ठीक है, सेव की ये लाइबा वाली, ठीक है, और इसे कर देंगे इधर से फुल कर देना। ये आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा, ठीक है, ये इस पर क्लिक करेंगे दोबारा, फिर ये सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फुल हो जाएगा और इसको कर देंगे ये ओके, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ओके कर दिया। अभी हमने करना है क्या, सिंपली इसको इसकी स्ट्रेंथ जो है फुल कर देनी है, ठीक है, इसका साइज़ बड़ा कर देना है, तो ये ताकि फुल इस तरीके से आ जाए। मैं अभी आपको दिखा दूँ छोटा करके भी, ये देखिए कुछ इस तरीके से फुल हो गया, ठीक है। तो अभी लेयर के ऑप्शन पे जाना, ठीक है, दोबारा फिर हमने करना है कि अभी PNG जो मटेरियल यूज़ होना वो लेके आएंगे, ठीक है, तो वो वीडियो लेके आएंगे जो इसमें यूज़ होगी। तो ये मीडिया के ऑप्शन पे जाएंगे और डाउनलोड जहाँ पे भी आपके पास वो पड़ा है वो वहाँ से आपने लेके आ जाना, ठीक है। तो मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको कर दूँगा ओके। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि मतलब ये किस तरीके से लग रही है, कुछ इस तरीके से ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो इसे हमने सिंपली करना है कि अभी इसको हटा के थोड़ा सा इस पर क्लिक करके ये देख लेते हैं हमारे वो फाउंड किधर हैं, किस साइड पे हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से ले आनी है, ठीक है, ये इस तरीके से इसका साइज़ इधर से तीर से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो इस यहाँ पर हमने ला के सेंटर में इसको कर देना 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके सेंड टू बैक, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गई है। अभी हमने करना क्या, ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने करना क्या, दोबारा फिर ये देख सकते हैं इधर ये इस पर क्लिक करके, ठीक है, तो इसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, कहीं और रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके कर दिया। अभी दोबारा फिर हमने करना क्या, ये लेयर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से ये शेप का ऑप्शन है, ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये शेप का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर से कलर जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैं येलो रखूँगा, ठीक है, और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ इस तरीके से उंगली की मदद से शेप बना लेनी है, ठीक है, जैसे ये शेप बन गई है ओके कर देना, दोबारा फिर इसको सिलेक्ट करके इसको साइज़ फुल कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे भी कर लेना हमने सेंड टू बैक, ठीक है। तो सॉरी, इसको हम करेंगे ये लाइबा वाली जो PNG है, ठीक है, नेम है, इसको सिलेक्ट करके इसको हम फ्रंट कर लेंगे, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे ही हमने किया ओके कर देना। अभी ये जो हैंड राइटिंग है इसको सिलेक्ट करना है हमने, और अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना, ओवरले है, तो ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पे कर देना, क्लिक ओके कर देना, और इस हैंड राइटिंग का भी हमने साइज कर देना फुल, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो दोनों साइडों से, और ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी हमने करना है कि ये लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ये टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना, ठीक है, और यहाँ से वो PNG वगैरह लगाएंगे जो हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाई है, कुछ इस तरीके से ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखें कि ये कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं किसी भी साइड पर, तो ये देखें यहाँ पर मैं ये लगा दूँगा, ठीक है, और ओके कर दूँगा। तो इसको सिलेक्ट जैसे किया मैंने और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका भी साइज़ बड़ा कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ओके कर दिया। दोबारा फिर लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो इधर लिखूंगा कि इंस्टाग्राम, जैसे मैंने ये लिख लिया ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से फाउंड सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, फाउंड कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, जैसे ये सेव है कोई भी फाउंड ओके कर दूँगा, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही ये थोड़ा छोटा लगेगा तो वो बेहतर होगा, ठीक है, ये रूबिक बल्क बोल्डर रख लूँगा, ठीक है, चलें, ठीक है, ये जैसे भी आ गया, ठीक है, उसको कर दूँगा, ये शेप फुल करके इधर से चेक करूँगा ये कैसा लग रहा है, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर आ गया, ठीक है, हमने करना क्या, ये लास्ट पर आना, ठीक है, और इसकी आउटलाइन रखनी है ब्लू कलर की, ठीक है, यहाँ पे ओके करके ब्लू कलर रख लेनी है आउटलाइन, ठीक है, ओके कर दिया, और ऊपर से भी ओके कर दिया। दोबारा फिर इसको सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम वाले को, तो ठीक है, शेडो पे आना, ठीक है, ये ग्लो पे आ जाना, ठीक है, और ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से फिर ब्लू कलर कर देना, ठीक है, ओके कर दिया, ये कुछ इस तरीके से ग्लो भी हो जाएगी, ओके कर दिया, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अभी इसको इंस्टाग्राम वाले को पकड़ के एक बार अंगूठा आपने दरमियान में रख के थोड़ा सा आगे इस तरीके से ले आना है। अभी इसको करना क्या, इसके पे क्लिक करके इसकी भी लेंथ फुल कर देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी हमने करना क्या, सिंपली
ये इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है तो इन एनिमेशन इसकी क्या रखनी है, कुछ भी इधर से पॉप वगैरह रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके कर दिया। अब ये इस पर बस हमारा रह गया वो साउंड लगाने वाला, ठीक है। यहाँ ऑडियो तो मैं यहाँ से ये सॉन्ग सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये जैसे सॉन्ग पे सिलेक्ट करूँगा एक बार अंगूठा दबाऊँगा तो सिंपली ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने लाजमन क्लिक करना, ठीक है। प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो सॉन्ग ऐड हो जाएगा और ऊपर से ओके कर देना, ठीक है। तो ये हमारा सॉन्ग ऐड हो गया है दोस्तों। तो ये आपने देख ली है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें तो यहाँ से ये वीडियो सेव होगी। ऊपर से आपने ऊपर क्लिक करना, ठीक है। ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना कि ये रेजोल्यूशन इधर से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये लास्ट पे जो लाइन है, ठीक है, डार्ट वाली, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लूँगा ताकि थोड़ी HD में सेव हो, ठीक है, और इसे एक्सपोर्ट करके यहाँ से सेव कर लूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।